अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पीके डिश टिप्स। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करने वाला हूँ कि 46 डिग्री ईस्ट वाला वतन जो है वो पुराना जो फ्रीक्वेंसी है उस पे सिग्नल तो आता है, लेकिन बाज औकात वो चलती नहीं। किसी के पास फुल सिग्नल आता है और वो चलता नहीं है, नो सर्विस इशू आता है इसमें। तो इसका सलूशन मैं आपके लिए लाया हूँ, तो वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो 40 डिग्री ईस्ट मैंने खुद लगाई थी, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी और उसका सिग्नल भी बहुत ज़बरदस्त था। अभी मैंने एक दूसरी वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने 52 डिग्री में साइड में वतन सेट किया है, बिल्कुल अच्छा सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 11609 या 11610, 7000H या 6999H, ये फ्रीक्वेंसी है। लेकिन मसला ये आ रहा है, कल मेरे पास खुद ये मसला आ रहा था कि वतन का सिग्नल फुल था और नो सर्विस आ रहा था, पिक्चर वगैरह नहीं दिखाता था। तो इसका सलूशन ये है कि जो पुराना वाला वतन है उसे डिलीट कर ले, पहले उसे डिलीट कर ले फ्रीक्वेंसी भी और चैनल भी। बाद में ऐसा कर ले कि रिसीवर पर सर्च लगा ले, स्कैन कर ले, मैनुअली मत डाले उसमें, सर्च लगा ले रिसीवर में। जब नया वतन सर्च हो जाएगा तो चाहे जो भी फ्रीक्वेंसी हो वो आपके पास बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। तो ट्रिक ये है कि आप लोगों ने पहले वाला वतन जो है जिस पर नो सर्विस आ रहा है उसे डिलीट करना है, बाद में रिसीवर पर स्कैन लगाना है। जब आपके पास स्कैन कंप्लीट हो जाएगी तो एक नया वतन सर्च हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। तो ये थी नो सर्विस इशू वतन के बारे में और उसका सलूशन। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।